जिस काम के लिए आई हो उसे तो पूरा करती हुई जाओ ना। हम सब जानते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। लगा देते हैं आपको भी इंजेक्शन। तो गाइस, एक गांव में दो लड़कियां होती हैं जिसमें से एक का नाम सालू होता है एंड एक दूसरी का नाम रिंकी होता है। इन ठंड का मौसम होता है, सबको ठंड लगती है पर इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। पर रिंकी सालू को कोचिंग कॉलेज जाना पड़ता है एंड उनके एग्ज़ाम भी जल्द आ रहे होते हैं, यानी कि सर पे ही होते हैं। तो इससे उनको ये ठंड की वजह से वो कोचिंग एंड कॉलेज नहीं जा पाते हैं, यानी कि उनको स्टडी करने में प्रॉब्लम जाती है और उनको डर रहता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। तो फिर अब होती है यहाँ से स्टोरी शुरू। तो ये वेब सीरीज बिग शॉट की वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज का नाम है ठंड का मजा। तो स्टोरी शुरू होती है, तो दोनों जब घर से निकलते हैं तो बगल में ही एक चाची होती है जो कि बर्तन धो रही होती है। तो वो पूछती है कि चाची आपको ठंड नहीं लगती है? तो वो बोलती हैं कि बेटा मतलब हमें तो नहीं लगती है और तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों नहीं लगती है। एंड थोड़ी दूर और जाती हैं तो वहाँ पर एक भाभी रहती हैं पड़ोसी की, तो वो कपड़े धो रही होती हैं। तो उनसे भी यही पूछना होता है और उनका भी यही कहना होता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी मतलब ठंड लगना बंद। इसके बाद वो कॉलेज चली जाती हैं एंड यहाँ पर जो वो भाभी रहती हैं तो उन भाभी का अपने भैया के साथ में एक सीन चालू होता है। और वो जो भाभी रहती हैं उन भाभी का ओरिजिनल नाम जोनिता डिक्रूज होता है। तो ये सीन काफ़ी लंबा चलता है। अब ये कॉलेज में जाती हैं तो वहाँ पर इनको मतलब कोचिंग में रहती हैं तो वहाँ पर इनको एक मैडम मिलती है जो कि ना स्वेटर और जैकेट स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहन, नॉर्मल कपड़े में ही आती हैं। एंड वो तो सालू और रिंकी का उनसे भी यही पूछना मतलब कहना होता है आपको ठंड नहीं लगती। तो उस मैडम का भी यही कहना होता है कि जब तुम दोनों जवान हो जाओगे ना तो तुम लोगों को भी ठंड वगैरह नहीं लगती। रिंकी सालू के क्लास में दो लड़के रहते हैं जो कि उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो दोनों उनको भाव नहीं देते। अब वो जब लौट कर वापस घर आती हैं तो पड़ोस के भैया एंड भाभी को मतलब इंजेक्शन देते हुए देखती हैं, यानी कि उनका रोमांटिक सीन चल रहा होता है। वो सीन देखती हैं तो उनको समझ में आता है कि भाभी को ठंड क्यों नहीं लगते। एंड वो फिर सोचने लगते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही करें। तो अब वो जब दूसरे दिन जाती हैं तो उसके क्लास में जो लड़के रहते हैं जो कि उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो लड़कों के लिए बोलती हैं कि अगर तुम दोनों में इतनी ही आग लगी हुई है तो आज रात को कोचिंग में आ जाना। पर इससे पहले सायना खत्री जो कि मैडम का रोल प्ले कर रही हैं, सायना खत्री का भी एक सीन चलता है जो कि काफ़ी लंबा चलता है, उनका भी एक सीन देखने को मिलता है। एंड वो दोनों रात को जाती हैं मतलब लड़के को तो कोचिंग में बुला लेती हैं, तो चारों के चारों आ जाते हैं, रिंकी सालू एंड दोनों लड़के आ जाते हैं। एंड यहाँ पर अब उनका रोमांटिक सीन होता है, एक एक करके होता है। मतलब पहले सालू के साथ होता है तो वो भी 10-15 मिनट चलता है, मतलब अच्छा खासा सीन चलता है। एंड उसके बाद रिंकी के साथ भी एक सीन चलता है। अब दोनों मतलब इंजेक्शन वगैरह लेके चले घर पर आती हैं, खुश होकर ही जाती हैं। लेकिन दूसरे दिन जब इनकी नींद खुलती तो इनको वापस से ठंड लग रही होती है और वापस से ठंड लग रही होती है। ये उसी टाइम पर देखती हैं कि इनके जो चाचा चाची रहते हैं वो रोमांटिक सीन चल रहा होता है, मतलब अच्छा सीन चल रहा होता है, तो अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं, मतलब चाचा चाची को इंजेक्शन दे रहे। तो फिर ये दोनों बातें करती हैं कि वो लड़के मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो सही से नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से मतलब अपन को ठंड वगैरह लगे। बाकी इन दोनों लड़कों के साथ इनके दो बार सीन होता है। तो अब ये प्लानिंग करते तो रिंकी बोलती है क्यों ना हम भी अपने वो चाचा चाची जो रहते हैं उनमें अनुमोरिया रहते हैं, अनुमोरिया एंड कमल कृष्णा पोड़ियाल दोनों रहते हैं चाचा चाची का रोल प्ले कर। अब रिंकी सालू से कहती है कि अगर वो ठंड दूर करना है तो अपन को भी चाचा के पास जाना पड़ेगा, पर सालू मना करते हैं एंड बोलते हैं ऐसा सोचना ही बात, और ऐसा अगर तुम करेगी मतलब मम्मी को या घर पर बता दो। हाँ, सालू कहीं गई रही होती है एंड रिंकी चाचा के यहाँ जाती है तो चाचा अकेले रहते हैं क्योंकि वो भी चाची भी कहीं गई रही होती है, मतलब 11,000
सामान वामान लेने के लिए, साड़ी वगैरह जो भी हो, तो वो अकेले ही रहते हैं। तो वो अकेले रहते हैं तो रिंकी बैठे रहे होते हैं, मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहने रहते। तो रिंकी बोलती है कि चाचा जी मैं आपकी मालिश कर दूँ। तो चाचा बोलते ठीक है कर दो। अब रिंकी तेल लेके आते हैं एंड मालिश करते, तो मालिश कुछ इस कदर से करती है कि चाचा को भी, मतलब टकलू चाचा रहते हैं कृष्णा कमल पोड़ियाल, जो कि बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया, और वो हाँसी इस तरीके से करते हैं। तो चाचा को मतलब तकलीफ को शक होता है, और शक होने के बाद वो बोलते हैं कि ये सही नहीं है एंड बेटा ये क्या कर रही हो तुम। तो बोलते हैं चाचा हमें भी इंजेक्शन दे दो ना, हमें भी मतलब चाची की तरह हमारी भी गर्मी दूर हो जाए। तो वो बोलते हैं बेटा पता है ना अपने रिश्ते का कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। फोन में आ जाते हैं एंड लग जाते हैं, जिस गजब का सीन चलता है दवा के, मतलब चाचा रिंकी को अच्छा इंजेक्शन दे देते हैं। तो अब दूसरे दिन जब दोनों कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं सालू एंड रिंकी, सालू श्वेता यादव जो है वो सालू का रोल प्ले कर रहे हैं। सालू रिंकी से बोलती है कि रिंकी स्वेटर जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनती और ऐसे ही जाने को तैयार रहती है। तो सालू बोलते तुझे ठंड नहीं लग रही, और वो समझ जाती है कि हाँ चाचा के साथ कांड कर डाला। और फिर उसके बाद रिंकी उसको ठंड लग रही होती है, तो रिंकी फिर उसको बोलती है मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ तुम भी कर डाल और तो तेरे को भी ठंड लगना बंद हो जाएगी। वो वापस कॉलेज से आ जाते हैं, और कॉलेज से वापस आने के बाद अब वो भी मतलब सोचने लगते हैं कि हाँ वैसे रिंकी सही तो कह रही है। तो वो जब चाचा के पास सालू जाती है, तो चाचा रिंकी पहले ही से लगे रहे होते हैं, मतलब चाचा रिंकी को पहले से इंजेक्शन दे रहा हो। फिर वो थोड़ा निराश हो जाती है, पर वो फिर बगल वाले भैया के यहाँ जाती है जो कि पड़ोस में ही रहते हैं, मतलब भाभी भैया है। तो भाभी उनकी रहती नहीं है, मतलब उसकी बीवी रहती नहीं, उस भैया की पता नहीं मायके गई होती कहाँ। तो जब सालू वहाँ जाती है तो वो अकेले रहते हैं, जाती है और कुछ कहने की कोशिश इंजेक्शन की बोलती है। तो वो बोलते हैं मतलब वो भैया जो रहता है, तो वो बोलता है क्या। एंड वो जब वापस जाने लगते हैं तो बोलते हैं नहीं मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए। एंड वहाँ पर सालू का एंड पड़ोस वाले भैया का सीन चालू हो जाता है, यानी कि वो भी बहुत सालू को इंजेक्शन देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर चाचा रिंकी को इंजेक्शन देते हैं, और वहाँ पर भैया सालू को इंजेक्शन देते हैं। दोनों का ज़बरदस्त सीन चलता है, अच्छा खासा सीन चलता है, रात भर चलता है। एंड सीरीज के एंडिंग सीन में दोनों बोलती हैं कि अब हमारी ठंड दूर हो गई है एंड अब हमको पर रेगुलर इंजेक्शन लेते रहना। यहाँ पर ठंड का मज़ा वेब सीरीज का सीजन 1 ख़त्म हो जाता है, एक फुल स्टोरी थी। तो इस सीरीज में हमें लीड रोल में अनु मौर्या, सायना खत्री, श्वेता यादव एंड जोनिता डी क्रूज देखने को मिलते हैं। एंड जो रिंकी का रोल प्ले कर रही हैं उनका मुझे नाम पता नहीं है कि उसका क्या नाम है, बाकी आपको किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। एंड इस सीरीज का नाम है ठंड का मज़ा, एंड ये सीरीज आपको बिग शॉट ऐप पर मिल जाएगी। तो इस सीरीज को देखने के लिए अगर एक्साइटेड हुए हो तो जाकर बिग शॉट पर देख सकते हैं, सीरीज अच्छी है, सीन भी दबा के देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।